हेलो फ्रेंड्स, कम पैसे में घर बनाए सीरीज़ का हमारा ये 35 नंबर का वीडियो। इससे पहले 34 आ चुके हैं, नहीं देखें तो देख लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज हम देखेंगे स्लैब बनाने से पहले कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें किस तरह से समझना चाहिए कि हमारा जो स्लैब है। देखिए, अगर कंक्रीट बीम किसी की भी कास्टिंग कर रहे हैं आप, जो आरसीसी मेंबर हैं या फिर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, तो तब आपको कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमने इससे पहले ये बात नहीं की है, इस कारण क्योंकि ज़रूरी स्लैब से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कुछ जो बेसिक्स हैं उनके बारे में समझ लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप कंक्रीट ग्रेड्स एंड देयर यूजेस इन बिल्डिंग। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कौन कौन सी यूज़ हमें करना चाहिए। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेड, मिक्स रेशो और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत या फिर मजबूती, आप इसको कह सकते हैं आसान भाषा में। यहाँ पर हमारे पास ग्रेड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास मिक्स रेशो हैं, और यहाँ पर हम इनकी स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए ये समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आएगी उसको हम किस तरीके से जांचेंगे, परखेंगे या फिर कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक क्यूब होता है, हम इसका टेस्ट CTM मशीन से करते हैं, यानी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये जो होता है क्यूब 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर, 150 mm 15 सेंटीमीटर और 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर। हम इसमें इसको फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो क्यूब है हम मोल्ड में लेते हैं, फिल करते हैं। फिल करने की भी इसकी एक प्रोसेस है, हम इसको 3 लेयर में फिल करते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर की हमारी एक लेयर आएगी। और इसमें अगर सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इसमें हम 35 स्ट्रोक चलाते हैं 16 mm डाया, यानी कि 16 mm का जो सरिया होता है हम उससे इसको 3 लेयर में भरेंगे बारी बारी से, और एक लेयर में हमें 35 स्ट्रोक चलाना है, यानी कि 35 बार हमें टेम्पिंग करना है। उसके बाद हम इसको फिल करेंगे, फिर इसको हम रख देंगे। सेकेंड दिन यानी कि सेकेंड डे हम इसको रिमूव कर देंगे, डिमोल्ड करेंगे और उसको पानी में डाल देंगे। आफ्टर 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज हम इसका टेस्ट करते हैं, तब हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आता है यहाँ पर। अब अलग अलग कंक्रीट ग्रेड है तो अलग अलग आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप, जो बेसिक है वो है जैसे कि M7.5, इस पर M5 भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था इसके कारण मैंने उसको नहीं लिखा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए M है तो ये क्या है, M15 है मान लीजिए, सपोज दैट, मानकर चलिए। तो M जो है इसमें ये है मिक्स, मिक्स किसका, ये जो मिक्स है ये मिक्स रेशो है, और जो 15 है वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या फिर आप इसको स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो ये होती है इसकी। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर कि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो हमें कौन से ग्रेड के सीमेंट की, कंक्रीट की ज़रूरत होती है। सीमेंट कंक्रीट जो हम बनाते हैं कौन से ग्रेड का हमें यूज़ करना चाहिए, पहले ये समझ लीजिए। M5 हमारा होता है 1, 5, 8, 10, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हम चालू करते हैं M7.5 से। ये होगा इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू IS 456 से 2000, और इसकी मेथड जो है वो अलग चीज़ है, वो अलग IS कोड में आती है, हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात की है। देखिए, ये जो होता इसमें हमारा 1, 4, 8 है। अब 1, 4, 8 जो हैं तो ये क्या है, एक जो है हमारा ये है सीमेंट, जो 4 है हमारा सैंड, और 8 जो है एग्रीगेट। एग्रीगेट में आपके क्या आ सकते हैं, जो एग्रीगेट है आपका तो ये 10 mm आ सकता है और 20 mm आ सकता है। जो आपका सैंड है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो सैंड है तो आप इसमें आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं और आप क्रस भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल सैंड यानी कि जो स्टोन डस्ट कहते हैं हम, स्टोन डस्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है रिवर सैंड,
तो आप इसको इस पर ले सकते हैं। तो मिक्स करके हमें यूज करना है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा यहाँ पर स्टोन डस्ट यूज कर लिए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको 10 mm और 20 mm मिक्स करके यूज करना है, एक साथ नहीं करना है। M7.5 में ये हो जाता है। अगर M10 की बात करूं मैं तो 1, 3, 6 ये हमारा रहेगा, यानी सीमेंट एंड एग्रीगेट। कुछ लोगों के दिमाग में एक और यहां पर डाउट आता है, वो डाउट ये आता है कि सर हम ये कैसे नापेंगे, कैसे हम किस चीज में डालेंगे, तकाड़ी, घमेला या फिर किसी चीज। तो इसके लिए आप फर्मा बना लीजिए, किलो से डाल दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 1, 3, 6 है तो अगर 1 किलोग्राम डाल रहे हैं आप तो ये 3 किलोग्राम डालना है आपको और ये 6 किलोग्राम डालना है। अगर मान लीजिए आप ये एक तकाड़ी जो होती है, हम लोग जो वर्क करते हैं, तो ये अगर एक तकाड़ी डाल रहे हैं आप तो इसको 3 डालिए और इसको 6 डालिए। मतलब एक ही चीज पे मेजर करना है आपको, एक ही नाप चलने देना है। ऐसा नहीं कि इसको आपने किलोग्राम में डाल दिए, इसको आपने तकाड़ी में और इसको और कुछ चीज में, तब गड़बड़ होते हैं रेशो। तो यहां पर सीमेंट सैंड एग्रीगेट का ये हो जाता है हमारा। M15 में 1, 2, 4, M20 1, 1.5, 3 यहां पर। अब देखिए जी, हमारे जो ऑर्डिनरी कंक्रीट जो करते हैं हम हो चुके हैं। अब यहां से अगर स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करें, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो M25 1, 1, 2 एक सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। अब M30 पे आ गए हम, तो यहां से मिक्स डिजाइन चालू हो जाते हैं, यानी कि M30 मिक्स डिजाइन है, M35 भी हमारा मिक्स डिजाइन आएगा, यहां पर ये भी हमारा मिक्स डिजाइन, ये हमारे सभी मिक्स डिजाइन आएंगे, ठीक है। अब मिक्स डिजाइन क्या होता है, हम जब भी मटेरियल बुलाते हैं तो हमारी दो चीजें होती है। फर्स्ट, साइट पर हम वर्क करते हैं तो नॉर्मल कॉन्क्रीट बनाते हैं हम साइट पर हैंड मिक्स, या फिर साइट पर आप मशीन बुलाकर वहां पर मिक्स करते हैं, तो साइड मिक्स कह सकते हैं उसको, नॉमिनल मिक्स, साइट मिक्स या हैंड मिक्स, वर्सेस आपका हो जाएगा RMC या मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी। अगर RMC से आ रहा है तो आपका मिक्स डिजाइन होकर ही आएगा, और आप जो साइड पर खुद से मिक्स करते हैं वो आता है हमारा ये, जो कि स्टैंडर्ड दिया गया है आपका IS 456-2000 में, ये जो हमारा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्क करते हैं। यहाँ पर मिक्स है, मिक्स में होता क्या है ये चीज़ भी थोड़ी सी आप समझ ही लीजिए। यहाँ पर हम मान लीजिए एक सीमेंट डाले हो आपने, तो यहाँ पर हम ये चीज़ ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पर एक सैंड डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, हम यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि हम सीमेंट सैंड डालेंगे, देन टेस्ट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि क्या आ रहा है। उसमें हम कुछ रिटार्डेंट वगैरह भी मिलाते हैं और बहुत सारे हम उसमें केमिकल्स भी मिलाकर देखते हैं, तो ये अलग जो हैं वो एक अलग, मैं बहुत पहले आपको एक वीडियो में बताया था नॉमिनल मिक्स और मिक्स डिज़ाइन में, अगर नहीं देखे हैं और जिन्हें अगर देखना है तो वो देख सकते हैं आप वीडियो। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ग्रेड आ जाता है। यहाँ पर भी हमारे ये मिक्स डिज़ाइन जो हैं, मिक्स डिज़ाइन ही चलेंगे, ये सभी मिक्स डिज़ाइन चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, मैं अब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बताऊँगा, उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने जो इंजीनियर है ये सुने होंगे C10, C15, C20, C25, C30, C35 and 40, ये क्या होते हैं, ये भी कॉन्क्रीट ग्रेड है लेकिन क्या होते हैं। मैंने शायद इससे पहले C15 या 20 पर एक वीडियो बनाया था, जहाँ तक बहुत दिन हो गया उसको तो बनाया था, लेकिन अगर आप फिर भी कमेंट्स करते हैं तो इनके बारे में भी मैं स्पेशल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस सीरीज़ में तो नहीं आएगा ये वीडियो। अगर आप कमेंट्स करते हैं और आपको अगर ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए, ये जो है हमारा M7.5, इसकी जो रहेगी 7.5, ठीक है, ये रहेगी हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये जो है 10 newton per mm square, 15 newton per mm square। अब जब हम इसे टेस्ट करते हैं तब आती, अब कैसे आएगी है? इसका अगर बात करें हम तो 20 newton per mm square, ये स्ट्रेंथ है, 25 newton per mm square ये आना चाहिए। अब मिक्स डिज़ाइन में भी आपका 30 newton, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ये रखकर चलते हैं और फिर उस हिसाब से ट्रायल मिक्स करते हैं।
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए ये सभी का लगभग ये जो है सेम ही रखते हैं। अब यहाँ पर इनका टेस्ट जो है कैसे करेंगे, टेस्ट करने की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपका मान लीजिए एक एक दो ये मटेरियल यानी मिक्स किए हमने कॉन्क्रीट सीमेंट एंड एग्रीगेट। अब हमने तीन इस साइज के तीन क्यूब भरे या तो फिर हमने छः क्यूब भरे, आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी भर सकते हैं, तीन या छः हम भरते हैं जनरली। अब सभी जो हैं इनकी अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं जब हम इसको CTM यानी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब हम इसे ब्रेक करते हैं तब इनका जो है वैल्यूज़ आता है। जो वैल्यूज़ आएगी उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा एक एवरेज आएगा, वो एवरेज जो होगा वो हमारी होगी ये वैल्यू। अगर मान लीजिए आपने एक डेढ़ तीन या एक एक दो M25 बनाए हो, ठीक है, अगर आपने M25 ग्रेड का कंक्रीट बनाए हो और उसका जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन एमएम स्क्वायर में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में M25 का अगर आपका 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है, अगर क्राइटेरिया ये 25 से कम आता है यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो है फेल हो जाता है, उसके लिए आपको फिर से विचार करना होगा, अपने इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करना होगा। तो ये इससे कम नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आएगा आपका अगर आप सही से मिक्स कर रहे हैं तो। आई होप कुछ जानकारी है जो आपको पसंद आई हो। इसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह के भी बात करेंगे, जनरल जो बातें हम सभी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।